गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर देखा गया था वो चोरी चोरा में ही देखा गया था। चोरी चोरा में 19 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 4 फरवरी 1922 को एक बड़ी ही असमंजस वाली घटना चोरी चोरा में घटी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब चरम पर था तो यहां पर ब्रिटिश हुकूमत का जो व्यापार था बहुत बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार चुका था, और इसीलिए गोरखपुर को खुद महात्मा गांधी ने संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ पर असहयोग कीजिएगा तो अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के जो प्रोडक्ट थे, ताड़ी, शराब, गांजा और उनकी जो बनाए हुए कपड़े थे, उन सबको त्यागना शुरू कर दिया। यहाँ की बड़ी बाजारों में असहयोग आंदोलन की धूम मचने लगी। देखते ही देखते ब्रिटिश पुलिसकर्मी एक्टिव हुए और फिर दिन आया 4 फरवरी 1922 का। अंग्रेजी पुलिस की लाठी आंदोलनकारियों पर बरस रही थी। लगातार उनके जुल्म क्रांतिकारियों पर बढ़ते जा रहे थे। इसे देखकर क्रांतिकारियों ने कुछ योजनाएं तैयार की और अपने साथ क्रांतिकारियों के जत्थे आपसी तौर पर सजा सजा कर रखे कि यदि कुछ जत्थों को ब्रिटिश पुलिस हमला करेगी तो बाद में दूसरा जत्था आकर के उनकी सपोर्ट में काम करेगा। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटिश पुलिस गोलीबारी कर देगी, और हुआ भी यही। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार की पुलिस वालों ने इन क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनकी चीखें चोरी चोरा में गूंजने लगे। देखते ही देखते तमाम लोग सड़कों पर गिरने शुरू हो गए। ब्रिटिश सरकार का यह आतंक सर चढ़कर बोरने लगा, पर वो नहीं जानते थे कि कुछ क्रांतिकारियों के जत्थे पीछे हैं और वो तैयार हैं कि अगर हमारे क्रांतिकारियों पर कोई हमला होता है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हुआ भी यही। जब ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस ने गोलियां चलाई तो तमाम क्रांतिकारी उनके ऊपर आकर के हमलावर हो गए। पुलिसकर्मियों की जब गोलियां खत्म हो गई तो इस स्थिति को देख करके वो अपनी पुलिस चौकी पर जाकर बंद हो गए। उस पुलिस चौकी में उन क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। क्रांतिकारी गुस्साए थे, बौखलाए थे, उन्हें कुछ सूझा नहीं। वो गए और बंद पुलिसकर्मियों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जो ब्रिटिश हुकूमत के थे वो मारे गए। जब 23 पुलिसकर्मी मार दिए गए तो पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई, और इसी को देख करके महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, जो अहिंसक आंदोलन में यकीन रखते थे, उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि मामला बहुत बड़ा था। 1857 की क्रांति के बाद अगर कोई देश में बहुत बड़ी घटना हुई थी ब्रिटिश सरकार के विरोध में तो वो चोरी चोरा की ही थी। इस घटना से पूरा देश हिल गया और पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। फिर ब्रिटिश हुकूमत ने केस दायर किया और उसमें कम से कम 117 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। पर भला हो मदन मोहन मालवीय जी का, जिन्होंने अपनी वकालत का हुनर दिखाते हुए लगभग 151 लोगों को उस फांसी की सजा से बचा लिया। पर करते भी तो क्या करते, हुकूमत तो ब्रिटिश थी, सबको नहीं बचा सकते थे। इसके बावजूद भी इस एक साल के भीतर ब्रिटिश हुकूमत ने 19 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, और यह ऐतिहासिक दौर चोरी चोरा कांड के तौर पर इतिहास में दर्ज हुआ। हाँ, ये सच है कि इसके बाद से एक गरम दल बना जिसमें चंद्रशेखर आजाद रहे, भगत सिंह भी उसी गरम दल के हिस्सा बने आगे जाकर के, राम प्रसाद बिस्मिल भी उसमें एक्टिव हुए, अशफाक उल्ला खां भी उसमें एक्टिव हुए, और फिर क्रांति की ये जो मशाल थी ये लगातार चलती रही, जलती रही। नरम दल गांधी जी वाला अपना काम करता रहा और गरम दल इन युवाओं वाला ये अपना काम करता रहा। तो हमारे पास
क्योंकि हम लोग चोरी चोरा के संग्रहालय में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मेंटोर हैं, जो इस संग्रहालय की हिफाजत करते हैं, देखरेख करते हैं, और कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों के परिवार से भी एक साथी है हमारे बीच में, जिनका नाम है रामलाल। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि उनके शब्दों में वो क्या बताते हैं यहाँ की दास्तान। चोरी चोरा का जो ये कांड है, वो आपके नजरिए में क्या, यहाँ की लोकल की जो ओपिनियन है, लोकल के जो लोग हैं, वो किस तरह से इस कांड को देखते हैं, और क्या क्या विशेष है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? चोरी चोरा 4 फरवरी 1922 को कांड हुआ, जो विदेशी दारू शराब भांग गाजा के रोक लगाने के लिए जो चोरी चोरा के भगवान अहिर थे उनको रोक रहे थे। रोकने के बावजूद जो वे गुप्तेश्वर थानाध्यक्ष थे वो इनको विधिवत पीटे। पीटने के बाद ये लोग अपना भीड़ इकट्ठा किए चोरी चोरा डुमरी गांव जो है यहाँ से 3 किलोमीटर तरफला मेला की तरफ। उसके बाद ये लोग 4,000 की भीड़ जो इकट्ठा कर लिए। उसके बाद थाना पे जाके ये लोग मतलब पूछताछ कर रहे थे कि हमारे साथी भगवान अहिर को क्यों आप पीटे। तो पीटने के जब ये लोग अपना पूछताछ कर रहे थे, उसी में किसी ने खतरे की सीटी बजा दिए। उधर से पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गया, तो मेन मौके पे 3 शतकियों ने वहां पर मौके पे ही मर गए। तब उसके बाद उधर से गोली चलना शुरू हुआ, ये लोग अपना पत्थर से लोग जवाब दे रहे थे। जब गोलियां समाप्त हो गई तो ये लोग जाके थाने में, उस समय थाना झोपड़ी का था, खपड़ेल का था, उसमें जाके लोग उसमें लोग छिप गए। ये लोग अपना मुंडेरा बाजार जाके बैलगाड़ी से मिट्टी का तेल लाए, चारों तरफ छिड़काव किए, उसके बाद आग लगा दिए। उसमें 17 पुलिसकर्मी जल के राख हुए, 6 चौकीदार लोग, टोटल 23 लोग वहां शहीद हुए, जिनको 1 साल के अंदर में 2 जुलाई से किसकी बात कर रहे हैं, कौन शहीद हुए? ब्रिटिश हुकूमत के लोग नहीं, जो लोग वहाँ के पुलिस वाले थे, तो 17 पुलिसकर्मी और 6 चौकीदार लोग, 23 टोटल वहाँ शहीद हुए ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से, जिनके 1 साल के अंदर में 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में 19 लोग फांसी के फंदे पर लटक गए। अच्छा, मतलब यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो इसलिए सजा उनको हुई क्योंकि उन्होंने उनको जलाए लोग, इसलिए लोगों को 19 लोगों को फांसी हो गया। अच्छा, ये जो संग्रहालय है या जो स्तूप बना है वहां पर, शहीदों का जो स्तंभ बना है, ये किसकी देन है? ये तो सर 80 में इंदिरा गांधी जी आई थी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1993 में माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव लोकार्पण किए हैं, और उसके बाद संग्रहालय बनाया और शहीद स्मारक बनाया। और ये जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हैं, ये कब की देन है, ये कब लगी है? ये सर 2005 में लगा हुआ है। 2005 में लगी है, तब किसकी सरकार थी? उसमें सर हमको नहीं। अच्छा अच्छा, 2005 में ये मूर्तियां तब लगी हैं। और क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या होना चाहिए यहाँ पर जो सरकार को करना चाहिए? हम सोचते हैं कि चोरी चोरा जैसे विश्व स्तर पर है, विश्व स्तर पर जैसे चोरी चोरा स्टेशन चमक नहीं रहा, तो शहीद स्मारक और रेलवे स्टेशन जो भी उसका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब साफ है कि चोरी चोरा जितनी बड़ी घटना है या जितना बड़ा उसका मकसद था, देश की क्रांति को, देश के बदलाव को, देश में आजादी के लिए, उतना बड़ा मुकाम उसे मिला। अब हम आपको ले चलते हैं इस ऐतिहासिक स्थल को और भी ऐतिहासिक बनाने वाली उस पुलिस चौकी पर, जहां पर चोरी चोरा कांड में क्रांतिकारियों ने आग लगाई थी। अब मैं आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा। शहीद स्थल आप अभी पीछे देख करके आ रहे हैं मेरी स्टोरी में, वैसे ही उन पुलिस कर्मियों के भी शहीद स्तूप और स्थल है जो आप इस चोरी चोरा कांड में प्रमुख रूप से ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने वाले थे और वो मारे गए थे। तो चलते हैं अंदर की। तो चोरी चोरा शहीद स्मारक की तस्वीरें आप देख रहे थे, पर अगर मैं आपको ये पहलू ना दिखाऊं तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी और मेरी बात आप तक जो पहुंचेगी वो अधूरी होगी। और ये बात मेरी नहीं है, ये देश की बात है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कहीं ना कहीं आपको पूरी बात इस स्टोरी की दिखाऊं। चोरी चोरा कांड में जो लोग आपस में लड़ रहे थे वो थे तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारी और ब्रिटिश सिपाही, लेकिन याद रखिए उसमें एक भी ब्रिटिश सिपाही शहीद नहीं हुआ। जिस पुलिस चौकी को क्रांतिकारियों ने आग लगाई थी और जहां पर 23 लोग जिंदा जल के मर गए थे क्रांतिकारियों के गुस्से से, ये वो पहलू है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये कोई और नहीं है, ये भारत के वो लोग हैं जो ब्रिटिश पुलिस में भर्ती थे। इसमें कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, इसमें कोई चौकीदार है, और इसमें सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोग भर्ती थे।
कहने का मतलब यह है कि ये शहीद ब्रिटिश पुलिस के हैं, और वो जो शहीद अभी आप देख रहे थे वो देश के क्रांतिकारी शहीद थे जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। अब ये आपको तय करना है कि आपको किसे शहीद मानना है, उन्हें जो ब्रिटिश पुलिस की सेवा कर रहे थे और भारत में लोकतंत्र को लाने वाले क्रांतिकारी जो देश हित में ब्रिटिश आजादी के लिए लड़ रहे थे, या फिर ये जो ब्रिटिशों की तरफ से पुलिस बल जो लड़ रहा था। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अब यहां पर पुलिस चौकी ही है, जी हां, भारत की पुलिस चौकी। वो 1857 का जो पुलिस एक्ट था, उस पुलिस एक्ट के तहत यहां पर वो पुलिस चौकी थी जो ब्रिटिश सरकार की थी। जब इस पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी तब भी यहां पर बड़े रूप पर पुलिस चौकी ही बनाई गई है, और वो पुलिस चौकी आज भी स्थापित है, क्योंकि 1857 का वो पुलिस एक्ट आज भी वैसा का वैसा ही है जो ब्रिटिश सरकार के जमाने में था। मैं कुछ बातें आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि ये भारत की क्रांति से जुड़ी हुई है। दिमाग आप खोल सकते हैं और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन सब बातों का समाज पर क्या असर है। चोरी चोरा के इस कांड को लेकर के आप किसे शहीद मानेंगे, इसकी तुलना आप ही करेंगे। मेरा काम था कि मैं आपको उस पूरी स्टोरी से रूबरी कराऊं जो देश की सबसे बड़ी स्टोरियों में से एक है। फैक्टम के दर्शकों से अनुरोध है कि इस स्टोरी को जरूर शेयर करें और लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।